वजीर आला सिंध के सलाहकार बराए लाइफ स्टॉक और फिशरी सईद नजमी आलम हैदराबाद पहुंचे। वो डायरेक्टर जनरल लाइफ स्टॉक और फिशरीज पोल्ट्री एनिमल हस्बेंड्री के साथ इजलास की सदारत की। सूबा सलाहकार आज सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जाम में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सेंटर का भी दौरा किया। सूबा सलाहकार ने कहा कि जानवरों की वैक्सीनेशन के अमल को मजीद बेहतर बनाया जाए, जमन में अफसरान की ट्रेनिंग की जाए। सूबा सलाहकार को ब्रीफिंग देते हुए डी जी लाइफ स्टॉक हिजबुल्ला भुट्टो ने बताया कि सूबे में 418 वेटनरी ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, जबकि सेकंड शेड असामिया 688 हैं। नजमी आलम का कहना था कि हर तहसील में एक वेटनरी सेंटर मुकम्मल तौर पर फाल होना चाहिए। नजमी आलम का कहना था कि जहां पर तरक्याती मनसूबे सुस्त रवि का शिकार है, वहां पर महकमे का अफसरान पर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इस हवाले से हमें लिखें। महकमा के अंदर जितनी भी खाली असामियाँ हैं उन्हें फौरी तौर पर इश्तहार जारी करके भर्ती की जाए ताकि स्टाफ की कमी पूरी की जा सके। से नजमी आलम ने डी जी लाइफ स्टॉक को हिदायत की कि तमाम तरक्याती स्कीमों को फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए।